Hello everyone, so welcome to my channel Ms. Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the basic knowledge for introns and exons. So before starting the video, I want to say that if you are new to my channel, then please subscribe, and if you are the older one, then please like, share. Okay, so now without wasting time, let's get started. First of all, what are introns? So here I've written the basic definition that the non-coding DNA sequences within a genome that are removed by the RNA splicing during the maturation of the RNA products is called as a introns. So basically introns kya ho jate hain? Jab hum bolte hain introns ke baare mein, to genes ke andar kuch aise non-coding sequences jinko RNA splicing ke through hum log remove kar dete hain, theek hai? किस टाइम पे रिमूव करते हैं? मैच्योरेशन ऑफ आरएनए के टाइम पे, जब मैच्योर्ड आरएनए जो होता है उसके प्रोडक्ट्स जब बनते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कुछ सीक्वेंसेस होती है जिनको रिमूव कर देते हैं. और ये सीक्वेंसेस क्या होती है? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती है. तो ऐसे पर्टिकुलर नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस को हम लोग इंट्रॉन्स बोलते हैं. अब इसके बाद से इंट्रॉन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम बेसिकली फीचर्स भी बोल सकते हैं. द टर्म इंट्रॉन रिप्रेजेंट द इंट्राजेनिक रीजन विच आर प्रेजेंट विद इन अ जीन. जीन्स के इंटरनली जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग इंट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है. नाउ दे आर फाउंड इन जीन्स ऑफ यूकेरियोट्स एंड ऑल्सो सम वायरसेस एंड इन सम जीन्स दैट जनरेट द प्रोटीन आरआरएनए एंड टीआरएनए. तो बेसिकली क्या होता है कि जो इंट्रॉन्स होता है वो यूकेरियोटिक सेल्स या फिर यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो जीन्स होते हैं वहां देखे जाते हैं, एंड कुछ वायरसेस में भी इनकी प्रेजेंस देखी जाती है, एंड कुछ ऐसे जीन्स जो कि किसको कोड करते हैं, प्रोटीन को, राइबोसोमल आरएनए को या फिर ट्रांसफर आरएनए को. उसके बाद से क्या आता है कि जो इंट्रॉन्स होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में बेसिकली एब्सेंट रहते हैं, सो दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. नेक्स्ट कि जो इंट्रॉन्स होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं. तो पहला जो इंट्रॉन होता है वो होता है स्प्लाइसोम. तो स्प्लाइसोम क्या होता है कि ये कहाँ पाए जाता है? दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियर प्रोटीन कोडिंग जीन. ऐसे जीन जो कि किसको कोड करते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन्स को कोड करते हैं. इस टाइप के इंट्रॉन्स का रिमूवल हम कैसे कर सकते हैं? स्प्लाइसोसोम्स के थ्रू कर सकते हैं. तो देखो यहाँ बेसिकली हमने दो चीज़ पढ़नी है कि जो भी हम लोग इंट्रॉन पढ़ेंगे उसका लोकेशन पता होना चाहिए और किस तरीके से हम उसे स्प्लाइसिंग टेक्निक के टाइम पे रिमूव करते हैं. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. तो पहले हमने स्प्लाइसोम पढ़ा. नेक्स्ट वी हैव द टीआरएनए इंट्रॉन. ये जो टीआरएनए इंट्रॉन होता है ये न्यूक्लियर और आर्कियल टीआरएनए जीन में पाया जाता है. टी मतलब होता है ट्रांसफर. तो ट्रांसफर आरएनए जीन में जनरली टीआरएनए इंट्रॉन पाया जाता है और इसका रिमूवल हम लोग प्रोटीन्स के थ्रू कर सकते हैं. आफ्टर दिस वी हैव द सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप वन. सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप वन जो इंट्रॉन है वो किससे हम उसको रिमूव कर सकते हैं? इट कैन बी रिमूव बाय आरएनए कैटालिसिस. तो और वैसे ही जो सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप टू इंट्रॉन होता है इसका रिमूवल भी हम लोग आरएनए कैटालिसिस के थ्रू कर सकते हैं. तो इंट्रॉन में हमने क्या पढ़ा कि ऐसे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो कि एक जीन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग आरएनए स्प्लाइसिंग के टाइम पर रिमूव कर देते हैं, तो उनको हम लोग इंट्रॉन्स बोलते हैं, राइट. इंट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट रहते हैं? यूकेरियोट्स में प्रेजेंट रहते हैं. प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट रहते हैं. हमने चार मेन टाइप के इंट्रॉन पढ़े. एक था हमारा स्प्लाइसोम, एक है टीआरएनए इंट्रॉन, एक है सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप वन और एक है सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप टू इंट्रॉन, ठीक है. तो दिस इज द ओनली थिंग अंडर द टॉपिक इंट्रॉन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सॉन्स. Now this is about the exons, the protein coding DNA sequences that require the necessary codons or the information necessary for protein synthesis are called as exons. तो exons क्या होते हैं? वो ऐसे DNA sequence होते हैं जो कि protein को code करते हैं या फिर protein का synthesis करते हैं. और protein का synthesis करने के लिए ये हमेशा किस चीज़ की search में होते हैं? किसी भी important information या फिर necessary codons के, जिसके through ये protein को code कर सकते हैं, ठीक है. तो introns में हमने पढ़ा कि वो क्या थे? वो हमारे नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस थे, लेकिन जो एक्सॉन्स होते हैं वो कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, राइट. सेकंड, द टर्म एक्सॉन रिप्रेजेंट एक्सप्रेस रीजन प्रेजेंट इन द जीनोम. तो बेसिकली जो एक्सॉन टर्म होता है वो एक्सप्रेस्ड रीजन को रिप्रेजेंट करता है, किसमें? जीनोम में. देन जीन इन यूकेरियोट आर फॉर्म्ड ऑफ कोडिंग एक्सॉन सेपरेटेड बाय नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स. तो बेसिकली क्या होता है कि यूकेरियोट्स के केसेस पे जो जीन्स होते हैं वो हमारे एक्सॉन्स तो कंटेन करते हैं, और ये जो एक्सॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग इंट्रॉन से क्या होता है? बिल्कुल सेपरेटेड होते हैं, राइट. तो जैसे इसका सीरीज कैसा होता है? एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, इस तरीके से एक सीरीज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जीन में एक्सॉन और इंट्रॉन का लोकेशन देखा जाता है, ठीक है. उसके बाद से एंटायर सेट ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट इन अ जीनोम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज एक्सोसोम. एक पर्टिकुलर जीनोम में जितने भी सेट ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट रहेंगे उनके कंप्लीट एंटायर सेट को हम लोग एक्सोसोम वर्ड से रेफर करते हैं.
In gene coding for protein, exons include both the protein code sequences and the 5 prime and the 3 prime untranslated region. So basically, ऐसे genes जो कि किसके लिए करते हैं, code करते हैं protein के लिए, उनमें जो exons present होते हैं, उनके पास क्या होता है, दो चीज़ें present होती हैं. एक तो protein sequence code होते हैं और दूसरा 5 prime और 3 prime untranslated regions भी उसमें देखने को मिलते हैं. Once these genes are transcribed, the resulting RNA has both exons and introns. Introns are then removed by RNA splicing, resulting in the mature mRNAs. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे जीन जो कि कंप्लीटली ट्रांसक्राइब हो जाते हैं तो उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं. इंट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू रिमूव कर देते हैं. और इस रिमूवल के बाद क्या होता है कि एक तरीके से हम इसको ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बोलते हैं. तो ऑल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग की वजह से क्या होता है कि इंट्रॉन्स तो रिमूव हो जाते हैं लेकिन जो एक्सॉन्स होते हैं वो दो एक्सॉन्स क्या होता है, आपस में अटैच हो जाते हैं. आप जैसे समझो कि एक एक्सॉन है, बीच में एक इंट्रॉन है और फिर इधर पे एक एक्सॉन है. अगर हम इस इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो ये दोनों एक्सॉन आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से अगर यहाँ पे केस बनता है कि इंट्रॉन्स के केसेस पे तो इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है लेकिन स्प्लाइसिंग की वजह से जो एक्सॉन्स होता है उनका कनेक्शन होता है, वो दोनों क्या होता है, क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के. ठीक है, तो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इंट्रॉन्स एंड द एक्सॉन्स. सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.